हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में कॉलेज और यूनिवर्सिटी एग्जाम से जुड़ी हुई एक नई अपडेट के साथ। पिछले साल जिन स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया गया था वो इस बार प्रमोट नहीं होंगे। किस यूनिवर्सिटी से जुड़ी अपडेट है ये जानने से पहले बात कर लेते हैं आपकी जो कल की कमेंट्स थी उनके बारे में। तो कल की आपके कमेंट्स थी कि IGU इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी BEd फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि IGU BEd फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम थे वो आपके जो यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम डेट आपकी जो जारी की थी वो 1 सितंबर 2021 की जारी की हुई है आपकी जो BEd फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, कि उनके एग्ज़ाम 1 सितंबर 2021 तक कंडक्ट करवाए जाएंगे। ये आपके फुल कोर्स और जो आपके रेगुलर और रीअपियर सभी स्टूडेंट्स के लिए है BEd फर्स्ट ईयर के, कि आपके एग्ज़ाम 1 सितंबर 2021 को होंगे। अगर बात करें BEd सेकंड ईयर की तो आपके एग्ज़ाम जो रेगुलर और रीअपियर के जो स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम तो लगभग 10 जून की डेट जारी की थी यूनिवर्सिटी ने, 10 जून 2021 की डेट प्रस्तावित थी यूनिवर्सिटी की तरफ से। लेकिन आपके एग्ज़ाम जून में अब कंडक्ट नहीं होंगे BEd सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के जो IGU से स्टडी करते हैं, उनके एग्ज़ाम अब शायद जुलाई 2021 में यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवा सकती है। तो फ्रेंड्स, ये आपके जो कमेंट्स थे वो थे। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से स्टडी करते हैं, किसी भी कॉलेज में स्टडी करते हैं, कोई भी कोर्स हो आपका, BA BSc BCom BA MA MSc MCom, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपके लिए डेली यूनिवर्सिटी और कॉलेज से जुड़ी हुई अपडेट लाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, किस यूनिवर्सिटी से जुड़ी अपडेट है, चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो फ्रेंड्स, ये अपडेट है। पिछले वर्ष पदोन्नत होने वाले छात्रों को इस बार नहीं दी जाएगी छूट। ग्रेटर नोएडा महामारी की वजह से पिछले साल बिना परीक्षा प्रमोट किए हुए स्टूडेंट्स को इस साल प्रमोट नहीं किया जाएगा। शासन ने 3 विश्वविद्यालयों की कमेटी बनाई। तो फ्रेंड्स, सीधे सीधे बात करें कि किन किन यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई अपडेट है ये। तो ये है APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय और महात्मा ज्योतिबा फुले जो रुहेलखंड बरेली जो है उसके जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए ये अपडेट है आज की, कि जो छात्र पिछले वर्ष प्रमोट कर दिए गए थे उनको इस बार प्रमोट नहीं किया जाएगा। पूरी अपडेट आप पूरी न्यूज़ आपको पढ़कर बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जो भी आपके जो APJ अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय, साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय और इसके साथ ही महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड बरेली के जो स्टूडेंट्स हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स, उन सब के लिए ये जो अपडेट है वो निकल कर सामने आई है कि आपके जो भी स्टूडेंट्स पिछले साल प्रमोट कर दिए गए थे वो इस साल प्रमोट नहीं किए जाएंगे। ऐसे विद्यार्थियों को परीक्षा देनी पड़ेगी जो पिछले साल प्रमोट कर दिए गए थे। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और कमेटी ने शासन को सुझाव दिया है कि कोविड का कहर फिलहाल कम होने लग गया है। तो अब जो सदस्यों ने अपनी जो कमेटी का जो फैसला था वो सुना दिया है। अब क्या उनका जो नोटिस जारी होता है आगे से वो हम उसको भी देख लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए यही अपडेट है कि पिछले साल जिन स्टूडेंट्स को प्रमोट किया था उनको इस बार प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे आने वाली अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।